हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है साउथ एंड डिस्ट्रिक्ट सीसी वर्सेस डार्विन क्रिकेट क्लब के जो बीच मैच होने वाला है एचडी वर्सेस डीडीसी तो फटाफट से मैच की वीडियो कवर करते हैं और इस मैच को थोड़ा स्किप करने की सोचेंगे और बाकी जो कल कंटिन्यूस मैच हैं एक के बाद एक एक ये, ये 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 और फिर इसके बाद ये तो इसमें से हम इस मैच को इसकी मैच की भी वीडियो कवर करेंगे तो बाकी बाकी टीम टेलीग्राम पर डायरेक्ट मिल जाएगी तो इस मैच की वीडियो कवर कर रहे हैं इसकी वीडियो आ जाएगी तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो और वीडियो दोनों की आएगी और आज का रिजल्ट बहुत अच्छा गया होगा सुबह से बहुत कॉन्टीन्यूस हमारे सारे मैच अच्छे जा रहे हैं ऑलमोस्ट और थोड़ी सी नींद खराब हुई बट उसका रिजल्ट बहुत अच्छा सबको देखने को मिल ही रहा है और ग्रैंड लीग में क्या परफॉर्मेंस हो रही है एक एक से बढ़कर एक प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस किया शुरू में कल मैंने विजय यू वीरा सिंगर के बारे में बताया था आज वो ग्रैंड लीग प्लेयर रहा अभी मैंने वाले मैच के बारे में मैच में मैं बताया मैंने बट को बताया बट तो उसने परफॉर्मेंस की तो दो मैंने बैक टू बैक आपको बता दी थी ग्रैंड लीग परफॉर्मर तो वो ग्रैंड लीग परफॉर्मर निकले और दोनों का ही सिलेक्शन रेट इतना कम था एक का तो बारह तेरह परसेंट था आई थिंक बीस परसेंट के आसपास था यू वीरा सिघे का और इसका पच्चीस के आसपास आसपास था तो वही है इस रिसर्च और जो वीडियो को सही से देखते वही ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक आते हैं और काफ़ी क्लोज मेरी खुद की रैंक आई है तो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा तो अब सब और की भी जो वीडियो को क्लियर अच्छे से देखते हैं और जो ऑब्जर्व अच्छे से करते हैं उनकी और क्लोज़ आई होगी रैंक होप करते हैं तो फटाफट से बात करते हैं इस मैच के बारे में आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है हो तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है जिसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर आपको ड्रीम इलेवन डॉक्टर ज्वाइन करना बहुत जरूरी है आपको स्क्रीन पर नेम दिखाई दे रहा होगा ड्रीम इलेवन डॉक्टर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल का नेम जो है आपको एक बार स्पेलिंग बताया था ताकि आपसे कोई गलती ना हो डी आर ई ए एम डी आर ई एम इलेवन डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर जब ये टेलीग्राम पे सर्च मारोगे तो आपको नाइनटी एट हंड्रेड प्लस सब्सक्राइबर्स वाला एक चैनल दिखाई देगा फटाफट से चैनल को जाके ज्वाइन कर लो और जो चैनल पे फोटो लगी हुई ग्रैंड लीग में रैंक वन की फ़ोटो होगी तो फटाफट से टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो वही हमारा टेलीग्राम चैनल है फाइनल अपडेटेड टीम आपको वहीं मिलने वाली है और सारी इंपॉर्टेंट शेयर न्यूज़ वही होने वाली है तो यह बात करते हैं डी एच एच डी सी के जो स्टैट्स हैं प्लेयरों के उनके बारे में डी म्यूलिस की बात करें बिल्यूस की बात करें तो तीन तीन सौ पच्चीस मैच में इसके तिरपन सौ उन्होंने में इक्कीस के एवरेज ठीक ठाक एवरेज है आपको टॉप ओवर में बैटिंग करता दिख जाएगा और उनतालीस विकेट है विकेट को इतना कंसिडर मैं नहीं लूंगा क्योंकि है पार्ट टाइम तीन सौ पच्चीस मैच में उनतालीस विकेट है तो बहुत रेयर टू रेयर बॉल डालता है बाकी बैटिंग में इक्कीस के एवरेज और टॉप ऑर्डर में आपको बैटिंग करता दिख जाएगा के वॉयल को वॉयल 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 केल की बात करें तो के वॉयल केल तो साढ़े तीन सौ मैच में बयासी सौ रन है अट्ठाईस की एवरेज एट्टी ट्वेंटी एट की एवरेज मेंटेन करके चल रहा है तो एक अच्छा बैट्समैन लग रहा है अट्ठाइस की एवरेज मेंटेन करके चल रहा है ऊपर से एक सौ पचहत्तर विकेट है एक सौ पचहत्तर साढ़े तीन सौ का आधा हो गया तो मतलब हर मैच दो मैच में एक विकेट लेके दे रहा है तो आप ऐसा ऑलराउंडर इसको अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हो या पार्ट टाइमर एल मार्के की बात करें तो एक सौ इकहत्तर मैच में छब्बीस सौ रन है और बाईस की एवरेज मेंटेन करी हुई है तो इसके भी एवरेज काफ़ी अच्छी लग रही है और बात की जाए तो सत्तावन विकेट है विकेट को ठीक है पर तीन मैच में एक विकेट एवरेज आ रही है इसकी और बॉल बॉलिंग में बात कर ली जाए तो इसकी बॉलिंग में पर तीन मैच में एक विकेट की एवरेज आ रही है तो और बैटिंग में इसकी बाईस की एवरेज ठीक ठाक है ग्रैंड लीग टाइप पिक बन जाती है आपके लिए यहाँ पर ये सी एम कोई की बात करें तो मैचेस भले इसके कम है सिक्सटी नाइन मैचिज है और पच्चीस रन एवरेज बहुत अच्छी है सबसे बेस्ट है 50 की एवरेज है और वही देखा जाए तो विकेट देखो सिक्सटी मैच में 104 तो आपके लिए स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग की बहुत बेस्ट पिक रहने वाली है इसका सिलेक्शन रेट भी बहुत कम है तो अपनी ग्रैंड लीग की टीम में तो जरूर ट्राई करना स्मॉल लीग की टीम में भी जरूर ट्राई कर सकते हो इस बंदे को इसकी जो एवरेज है बहुत इंप्रेसिव है पचास की एवरेज मेंटेन करी हुई सिक्सटी नाइन से और प्लस देखा जाए तो हर दो हर एक मैच में दो विकेट की एवरेज दो विकेट निकाल के भी दे रहा तो काफ़ी बेस्ट प्लेयर है और यहाँ पे आपके लिए ग्रैंड लीग टाइप के लिए बेस्ट है और स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो एम कोई दोनों के लिए स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग के लिए अच्छी पिक है एम टाउन सेंड की बात करें तो आपके लिए यहाँ पे एक वन एट्टी थ्री मैच इसमें तीन सौ बीस रन है बत्तीस सौ रन है और बीस की एवरेज है तीन सौ चार विकेट है तो विकेट टेकर बॉलर लग रहा है तो बैट्समैन में, में ऐसा विकेट टेकर बॉलर मिल रहा है तो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर लग रहा है तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो यहाँ पे एक दो ये बैटिंग सेक्शन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं यहाँ पे हार्वी का ठीक ठाक है चौतीस मैच में तीन सौ नौ विकेट बट इतना इंप्रेसिव नहीं है तो उसको स्मॉल लीग वगैरह में इग्नोर करके चलेंगे एम एहमंड की बात करें दो सौ तिहत्तर मैच चौलीस सौ रन के करियर के और बीस की एवरेज है एवरेज ठीक है डिसेंट है और मिडल ऑर्डर में बैटिंग करता दिखेगा आपको ये और वहीं देखा जाए दो मैच में दो विकेट है तो ठीक है पर मैच में लगभग एक विकेट के आसपास है तो ज़्यादा नहीं है विकेट टेकर बॉलर नहीं है और रन भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है बीस की एवरेज है ठीक ठाक है पर टीम में लेने लायक प्लेयर है तो अपनी टीम में रख सकते हो और वाइस कैप्टन कैप्टन के लिए हमारे पास अदर अदर चॉइस होगी उसके बाद जाएंगे पर अपनी टीम में रखने के लिए ये सही है सी कैली की बात करें तो ये आपको ओपन करता हुआ दिख सकता है और यहाँ पे डेढ़ सौ मैच में इसके दो हज़ार रन है बैटिंग की एवरेज चौदह की है इतनी अच्छी नहीं है और वहीं देखा जाए डेढ़ सौ मैच में एक सौ पैंतालीस विकेट है। तो पर मैच एक विकेट निकाल के दे रहा है तो आपके लिए ठीक ठाक पिक है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इतनी बेस्ट पिक नहीं रहेगी पर स्मॉल लीग में अपनी टीम में रख सकते हो क्योंकि ओपन करता दिख सकता है आपको ये और कुछ ओवर डालता हुआ दिख जाएगा यहाँ पर डी मिलियन की बात करें तो तीन सौ पच्चीस मैच में अड़तालीस सौ रन है इसके तीन सौ पच्चीस मैच में अड़तालीस सौ रन का मतलब समझ पा रहे हो कि बाईस की एवरेज आ गई और बैट आ, विकेट साढ़े विकेट चार से तो हर मैच में एक विकेट तो कंफर्म लेने वाला ही है ये, उससे ज़्यादा ही लेगा दो भी ले सकता है और यहाँ पे बैटिंग में देखा जाए तो बाईस की एवरेज निकल के आ रही है तो काफ़ी अच्छा बैट्समैन है इसको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो ये चारों ही ऑलराउंडर ठीक ठाक है डिसेंट है पर ऐसे कोई नहीं है कोई बहुत तगड़ा ऑलराउंडर नहीं है एक थोड़ा विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी इसकी मिलन की अच्छी लग रही है इन तीनों में से और यहाँ देखा जाए तो एन हैगन की बात कर ले तो अट्ठारह सौ मैच दो सौ अट्ठाईस मैच में दो सौ अट्ठारह मैच में सत्ताईस सौ रन है बाईस की एवरेज और दो सौ अट्ठारह विकेट है तो पर मैच एक विकेट निकाल के दे रहा है ठीक ठाक है बट सबसे बेस्ट मुझे इनमें से लगा एज अ विकेट टेकर जो विकेट टेकर कैपेसिटी जिसकी अच्छी है वो म्यूलन की है तीन सौ पच्चीस मैच है चार सौ विकेट और एवरेज भी लगभग किसी की अच्छी है तो एक मेरे को बेस्ट प्लेयर लग रहा है इनकी टीम से ये ऑलराउंडर में इनके स्टैट स्टैट उठा के देखा जाए तो बाद में आपका स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा जो रिसेंट है मैच हुए हैं कि कौन से बैटिंग ऑर्डर में क्या हो सकता है टी पेंबल की बात करें तो टी पैम्बल आपके लिए सिक्सटी सेवन मैचे में एक सौ बयालीस विकेट तो पर मैच दो विकेट से ज्यादा ले काल के दे रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है अपनी स्मॉल लीग की टीम में लेने वाला प्लेयर डी फ्राई की बात करी जाए तो डी फ्राई तीन सौ चौंतीस मैच में दो सौ चार विकेट है ठीक ठाक है मैच ज्यादा विकेट बहुत कम लग रहे हैं और बैटिंग से तेईस की एवरेज इसकी बैटिंग एवरेज भी काफ़ी अच्छी है तो ठीक है अपनी टीम में ले सकते हो और छोड़ भी सकते हो कुछ भी कर सकते हो ठीक ठाक प्लेयर है इसको देखा जाए तो मीडियम रेंज का प्लेयर लग रहा है यहाँ बात की जाए एन एक्ट्स की बात करी जाए चौलीस मैच में उन्नीस की एवरेज है बैटिंग से बावन विकेट are... have... who... so है ठीक ठाक है पर मैच एक विकेट निकाल के दे रहा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा यहाँ बात करें नाइन मैन की बात करें नाइन मैन की तो एक सौ तिरासी मैच में दो सौ एक विकेट है पर मैच एक विकेट निकाल के दे रहा है और बैटिंग से चौदह की एवरेज है तो एंक एक्ट से थोड़ा बैट बॉलिंग में दोनों ही ठीक है हैकर्स के भी ऐसे बयालीस मैच में बावन विकेट और इसके भी ऐसे तो दोनों में से किसी को भी ले सकते बट हो बट नाइन मैन के मैचेज ज़्यादा था एक्सपीरियंस थोड़ा तो ज़्यादा है इसको होगा इसकी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल सकती है तो ये रिसेंट मैच का इसके बैटिंग ऑर्डर ऐसा होता है कैली और मिलियो इस ओपन करते आ, आ सकते हैं वर्ल्ड केल आएगा फर्स्ट डाउन मिलियन आएगा सेकंड डाउन और डी फ्राई आएगा थर्ड डाउन एक्कर आ सकता है फोर्थ डाउन फिर हेमुंड है पेम्बल है फिर नीचे सारे प्लेयर दिख रहे होंगे आपको एक एक करके ठीक है यहाँ पे इन्होंने इसको एम कोई मैं कोई की बैटिंग नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हो इधर की साइड आप जाओगे तो इनके स्कोर कार्ड वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टैट्स वगैरह इनके देख सकते हो यहाँ पे जो इनके नेम के से, नाम सामने डी फ्राई के सैंतीस रन है और फोर्टी एट है। हैं हाइमंड के तो बाकी जो बैटिंग ठीक ठाक है ज़्यादा स्कोर किसी ने किया नहीं वहीं देखा जाए बॉलिंग में यहाँ पर इनके लिए आता है यहाँ पर कैली कैली का देख सकते हो आप कैली ने कितने ओवर डाले हैं Kelly ने डाले हैं पे तीन मैच में तीन ओवर में बारह रन देके एक विकेट तो इनके सामने नेम के सामने आप नाम के सामने आप देख सकते हो कि इनके कैसे स्टैट्स हैं तो फेस मैच में इसमें दो विकेट किसको मिलेंगे हार्वी को तो ठीक है ऐसे ऐसे करके इनके कुछ स्टैट्स हैं ये लास्ट रिसेंट मैच है कुछ इनका तो यहाँ बात करते हैं डे डी सीकरी की बात तो एच विल शहर की बात करते हैं एच विल शहर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैट्समैन है और uh, बट उससे बैट्स बैट्समैन बेस्ट होने वाला है डिक मैन इसके देखते तो तीन सौ तो तुरानवे मैचेज में ग्यारह हज़ार रन है चौंतीस की एवरेज है बैट बचलो बॉलिंग को विकेट को इतना कंसिडर नहीं करते फिर भी ग्यारह हज़ार रन चौंतीस के एवरेज या एक सौ साठ रन है एक मैच में चौबीस सौ तो रन है बाईस की एवरेज और चौंतीस विकेट है तो देखा जाए तो यहाँ पे आपके डिक मैन के ज़्यादा स्टैट्स बहुत अच्छा है तो डिक मैन आपके यहाँ पे काफ़ी इंप्रेसिव रहा है तो मैं स्मॉल लीग लिंग में डिकमैन को लेकर जाने वाला हूँ काफ़ी अच्छा प्लेयर है और ओपन करता हुआ दिख जाएगा अपनी टीम से आपको ये यहाँ बात कर ले आपको डी मेटा की बात कर ले तो ये बॉलिंग में दिया बैटिंग में दिया हुआ है बॉलिंग भी करेगा और इसके देख सकते हो आप 200 मैच में 236 विकेट है तो एक ऑलराउंडर है और 25 की एवरेज भी तो अपनी टीम में इसको लेना भूलना नहीं है स्मॉल लीग में और काफी अच्छा प्लेयर है कैप्टन वैस कैप्टन के लिए ग्रैंड लीग वगैरह के लिए भी अच्छी पिक बन सकता है आपके लिए यहाँ बात कर ले डब्ल्यू एंड्रोस की बात कर ले तो यहाँ पे एक सौ अड़तालीस मैच में बाईस रन है सत्रह के एवरेज छियासठ विकेट है विकेट इतने ज़्यादा नहीं है बर बैटिंग की एवरेज ठीक ठाक है तो इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर लग नहीं रहा मुझे ई एंडरसन की बात कीजिए तो बैटिंग से आई uh, थिंक इसका एक सौ तिरासी मैचेज में तीन हजार रन छिहत्तर विकेट है तो हर मैच में दो मैच में विकेट है ये भी इतना इंपॉर्टेंट लग रही है ठीक प्लेयर है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ बात करें आपके लेट एल टीम्स की बात करें तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है इससे एक, एक बॉलिंग डालेगा सिर्फ ये बैटिंग करेगा छियासी मैचेज में इसके सोलह सौ रन के आसपास है और इक्कीस के एवरेज है ठीक है पर इम्पॉर्टेंट नहीं जिसमें बैटिंग सेक्शन में मुझे डी मेटा और विकेट कीपिंग में डिकमैन ही सही लग रहा है यहाँ बात करें जाए एल शेल्टन की बात की जाए तो तीन सौ तैंतीस मैच में बासठ सौ रन है छह हज़ार से ऊपर रन है पच्चीस के एवरेज है और पाँच सौ इकसठ विकेट है एक विकेट टेकर बॉलर है अपने देख पा रहे हो तीन सौ इकतीस मैच है पाँच सौ इकसठ लगभग हर मैच में दो विकेट लेके देने वाला प्लेयर है और बैटिंग में देखा जाए पच्चीस के एवरेज काफ़ी अच्छा प्लेयर है और ऊपर बैटिंग करता दिख जाएगा आपको ये टॉप ऑर्डर में ओपन भी कर आई थिंक ओपन भी करेगा ये एल जिनचेता की बात करें तो आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है क्योंकि दो सौ तीस में जब पैंतीस सौ रन है छब्बीस की एवरेज है और साढ़े तेईस साढ़े चार सौ तेईस विकेट भी है तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है आपके लिए इन टीम में ऑलराउंडर सेक्शन एक्शन से विकेट टेकर बॉलर हुई है और बैटिंग में एवेज देखी जाए एक पच्चीस की है तो एक छब्बीस की है के लॉरेंस की बात की जाए तो आपके लिए अच्छा प्लेयर हो सकता है ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग दोनों में देखा जाए तो ग्रैंड लीग में ज्यादा बैटर रहने वाला है एक मैच में एक विकेट है तो एक अच्छा विकेट टेकर बॉलर है हर मैच में एक विकेट से ऊपर लेके दे रहा है और यहाँ देखा जाए तो जा जा बैटिंग से चौबीस की एवरेज मेंटेन करके भी चल रहा है तो एक अच्छा प्लेयर आपके लिए यहाँ पे हो सकता है यहाँ बात कर ले बैकर तो ठीक ठाक एवरेज है पर मैच एक विकेट निकाल के दे रहा है ठीक है पर इस बॉलिंग में इतना प्रेफर नहीं करने वाला मैं क्योंकि हमारे पास और भी ऑप्शन वगैरह हैं टी ब्रिक्स की बात कर ली जाए तो ये इसके एक सौ चौबीस मैच में चौंतीस सौ रन है तीस की एवरेज एवरेज देखी जाए तो काफी अच्छी एवरेज है बॉलिंग विक से कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो बैटिंग से तीस की वजह पर हमारे पास बैटिंग सेक्शन में ऐसे प्लेयर मिल जाए जो बॉलिंग डालते हो तो हम उसको प्रेफर करेंगे सी हॉकिस की बात करें तो छाठ मैच में एक सौ बाईस बारह विकेट है तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है विकेट टेकर बॉलर लग रहा है और अपनी टीम में रखना है यहाँ बात करें के डन बी की एक सौ पचासी मैच में सोलह के एवेज एक सौ अट्ठाईस विकेट ठीक प्लेयर है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा विकेट टेकिंग कपेसिटी पर मैच एक एक विकेट से भी कम है एंड से की बात करें तो एक सौ अस्सी मैचेज में सैंतीस तेईस के एवेज तिरसठ विकेट विकेट के से इसको ख्याल से विकेट की विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी इसकी इतनी लग नहीं रही और देखा जाए तो बॉलिंग बैटिंग से बैटिंग से इसके सैंतीस सौ रन है तो एक अच्छा खासा बैट्समैन लग रहा है जिसको मेरे ख्याल से बॉलिंग सेक्शन में गलती से दे दिया आई थिंक इसको बैटिंग में देना चाहिए था डी टर्नर और इसके डी टर्नर के स्टैट्स में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा और चैडविक के भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ बात करें टी रैन बहुत स्ट्राइक बहुत बेस्ट बॉलर का सिलेक्शन आई थिंक चार बहुत कम परसेंट है चार परसेंट से भी कम है उसका देख सकते हो दो था सौ अट्ठासी मैच में चार सौ अस्सी रन तो आपके लिए बहुत बेस्ट पिक है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग वो एक विकेट टेकर बॉलर है तो मैंने थम्सअप लगा रखे किस किस को इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक हो गया दो हो गया तीन यहाँ पे हो गए पांच छ सात मेटा और ये दो सात इस टीम में सात इंपॉर्टेंट हो गए से हो गए आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह इन सोलह प्लेयरों में से आपको खेलना है भाई सोलह ये आई थिंक सत्रह ये सोलह सत्रह प्लेयरों में से स्मॉल लीग ग्रैंड लीग खेलनी है इसमें से आपकी ग्रैंड लीग स्मॉल लीग आ जाएगी अच्छे से बैटिंग लाइनअप होने वाला आपको दिखा देता हूँ जे डिकमैन ओपन करेगा शेल्टन के साथ ब्रिक्स आएगा फिर एंड से आएगा फिर एंड्री आएगा फिर डेन आएगा फिर हॉकिंस आएगा फिर मेटा आएगा फिर जन चेता आएगा फिर विल्ड शायर जो विकेट कीपिंग सेक्शन में जाता है वो इतना नीचे आएगा डिकमैन मैन में कहता था कि बेस्ट प्लेयर ऊपर आएगा और यहाँ पे बात कर ली जाए यहाँ पे तो बाकी आप देख सकते हो नीचे नीचे कैसे नीच नीच आएंगे तो यहाँ बात कर ले तो फिर आपके लिए यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉलिंग सेक्शन में जल चेता जन चेता आएगा इसके बॉलिंग विकेट की कितनी कैपेसिटी आपको दिखा देता हूँ ओवर कितने कितने डाल रहे हैं देखो चार ओवर जनचेता डाल रहा है रैन चार ओवर डाल रहा है दो ओवर मेटा डालेगा दो ओवर डेनबी डालेगा सी हॉकिंस चार ओवर डालेगा शेल्टन चार ओवर डालेगा और इनके स्टैट्स भी देख सकते हो इतने रिसेंट में किसने कितना परफॉर्मेंस किया 63 है डिकमैन ने सिक्सटी थ्री मारे शेल्टन ने बीस मारे ब्रिक जल्दी आउट हो गया एंड से जल्दी आउट हो गया एंड्रू जल्दी आउट हो गया ये बाकी किसी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया नहीं है तो बॉलिंग से तो आप भी बॉलिंग से देख सकते हैं यहाँ पे दो विकेट किसने दिए शेल्टन ने दो विकेट भी निकाल के दिए और सिर्फ किस को विकेट नहीं मिली यहाँ पे डैनबी को विकेट नहीं मिली बाकी सबको एक विकेट मिली भी है तो फटाफट टीम बनाते हैं यहाँ पे मैं जा रहा हूँ यहाँ पे डिकमैन के साथ जिसका सिलेक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ पे मेटा को लूंगा मैं बॉलिंग भी कर लेगा बैटिंग भी कर लेगा यहाँ पे बात करें वर्ल्ड कप की बात की इसके अच्छे स्टैट्स हैं एंड्र्यूज ले सकते हो ए एंडरसन ले सकते हो मैको ए ग्रैंड लीग के लिए बहुत बेस्ट लीक बन जाता है आपके लिए टाउनस एंड ग्रैंड लीग के लिए हो गया ये दो ग्राउंड ग्रैंड लीग के लिए हो गया मैकोए और टाउनस एंड यहाँ पर मैं जरा रहा के साथ अभी फिलहाल टेलीग्राम पर फाइनल टीम मिलने वाली है यहाँ पे मैं शायद बाद में एंड्रूस की जगह किसी और के ले लूँ टेलीग्राम पे बता दूंगा वो टेलीग्राम पे जो टीम मिलेगी शैल्टन को ले रहा हूँ अपने दो ओपन करेगा और जो चार ओवर भी डाल रहा है जैन चेता की बात करें अपने चार ओवर डाल रहा है मिडिल ऑर्डर बैटिंग कर रहा है काफ़ी अच्छा विकेट टेकर बॉलर है यहाँ बात करें हैमुंड की बात करें मिडल ऑर्डर मैड तो खेलेगा और अपने ओवर डालेगा कैली ओपन करता दिख जाएगा और अपने ओवर डालेगा बस थोड़ी क्रेडिट का इशू आ रहा है यहाँ पे अब लॉरेंस भी अच्छा प्लेयर है ग्रैंड लीग के लिए ट्राई करना बाकी मैंने आपको स्टैट दिखाया मिलुवन की बात करें ये ग्रैंड लीग के लिए बहुत बेस्ट पिक हो जाएगा तो अभी मैं क्रेडिट की वजह से यहाँ पे मिलवन ले रहा हूँ यहाँ पे मिलवन मिलवयन ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं हॉकिन लेना चाहता हूँ पेम्बल बहुत अच्छी चीज चॉइस है यहाँ पे मैं जा रहा हूँ इसके साथ रैन के साथ मैंने दिखाया था इसके चा, कुछ चार सौ के आसपास विकेट हैं और यहाँ पे ग्रेड की बड़ी दिक्कत आ रही है मिलुविन यहाँ पे कैली को लेना चाहता हूँ कैली आ नहीं पा रहा तो अभी फ़िलहाल मैं कैसे एडजस्ट करके चलूँ टीम को यहाँ पे हॉकिस के पेम्बल ले लेते हैं पर पेम्बल लेने के बाद ही फ़ायदा नहीं मिल पा रहा एंड से नाइन मैन नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है यहाँ पे इसको जो निकालते जा रहा है यहाँ पे मिलवेन लेते हैं चैल्टन को तो बोले भूल नहीं सकते यहाँ पे ऐसा कर सकते हो आप मैकवाई को ले लो पर मैकवाई ने पिछला जो बैट बॉलिंग नहीं करी यहाँ पे डेन भी हो गया एंड से हो गया टर्नर हो गया नाइन मैन हो गया आप क्या सही बसता है फिर और कोई चॉइस तो है नहीं तो फिर इसकी जगह मैं यही ना ले लू कैली पर साढ़े आठ और नौ फीट डिफरेंस आ रहा है इस ड्रीम इलेवन में दिक्कत आ रही है यहाँ पे क्रेडिट में आपको तो यहाँ पे आप डिक मैन नहीं यहाँ पे ये भी नहीं कर सकते आप या तो आप ऐसा कर लो दो बॉलर्स ले लो फ्राई बैटिंग कर लेता ऊपर तो नहीं यार ये भी अच्छा नहीं रहेगा नाइन मैन आ रहा है यहाँ पे रॉपकिंस आ रहा है यहाँ पे आप किसी को ले सकते हो यहाँ पे लॉरेंस ले सकते हो या मिलवन ले सकते हो तो अभी मैं ऐसी टेम्प्रेरी कोई फाइनल फा, टीम नहीं है अभी यार ये टीम बन पा रही है क्योंकि यहाँ पर का इशू आ रहा है मैं यहाँ पे कैली को लेना चाहता हूँ नाइन मैन की जगह पर ले नहीं पा रहा तो बाकी तीन बॉलर ये मेरे सही है एक दो यहाँ पे तीन नाइन मैन क्रेट की वजह से लेना पड़ रहा है राइन सही है बेस्ट है यहाँ पे आप कैली को ले सकते हो क्रेड बनता हो कहीं से तो आप नाइन मैन की जगह बट मुझे नहीं लगता बन पाएगा इस ऐप में तो यहाँ पे मैं कैप्टन में करूंगा यहाँ से जन चेता की के बाद से शेल्टन ज्यादा बेटर कैप्टन में कर रहा हूँ शेल्टन को वाइस कैप्टन करके जा रहा हूँ मैं यहाँ पे जन चेता को या हेमुंडो कर लो कैप्टन मेरा ये रहने वाला वाइस कैप्टन ये कर लूंगा या ये कर लूँगा टेलीग्राम नाम बता दूंगा फाइनल टीम जो भी बनेगी मैक वॉय को यहाँ पे मेरे को हटाना पड़ेगा यहाँ पे इसकी जगह कोई अच्छा सा प्लेयर मेरे टाउन सैन ले सकते हो किसी को भी ले सकते हो बट यहाँ पे क्रेड का इश्यू आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एंड्रूज़ के साथ ही चलते हैं चलो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी लो क्रेड रुच नहीं है तो यहाँ पे मेरी फाइनल टीम तो अभी टेम्प्रेरी टीम तो यही है फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉच टेलीग्राम पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो और ये टीम सेव करके रखना वीडियो देख रहे हो तो और मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा फिर आउट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ड्रीम इलेवन डॉक्टर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मार देना शेयर कर देना कमेंट कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना उसका फायदा ये होगा कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब कर एड बटन दबाने का तो आपको घंटी दिखाई देगी उसको दबा लेना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सब्सक्राइब करो लाइक करो सब कुछ फ्री है बिंदास कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मिलते ही नई वीडियो का जय हिंद दोस्तों बाय बाय